हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम आए हैं वृंदावन की प्रेम मंदिर। देखिए, यह रहा प्रेम मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है और देखने में बहुत ही मनमोहक है। तो चलिए आज यहाँ का एक अच्छा सा एक्सप्लोर करते हैं। और ये रहा इसका मंदिर का फ्रंट वाला व्यू। और देखिए, बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन आपको दिखाई दे रहा है। अभी बहुत ही प्यारा गार्डन है। फ्रंट में देखेंगे तो हम देखने के लिए मिलेगा हमको राधा कृष्ण की मूर्तियाँ और उनके जो गोपियाँ। देखिए वहाँ पर राधा कृष्ण कैसे खड़े हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर और प्यारा सा व्यू आपको दिखाई देगा यहाँ पर आने में। और वहाँ पर देखिए, हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा थोड़ा अभी दिखा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छा व्यू मिलेगा ज़रूर। और अभी यहाँ पर देखिए जो सर्प दलन है, सच में बहुत ही मनमोहक है ये वाला चीज़। आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर नाइट का जो व्यू रहता है ना, वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कैसा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और देखिए, ये रहा प्रेम का मंदिर। जय श्री कृष्ण भी लिखा है यहाँ पर। देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर किस तरह से एक जीता जागता एक व्यू दिया हुआ है। देखिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, यहाँ पर ज़रूर आइए। अभी हम अंदर जाने वाले हैं। अंदर का जो व्यू आपको दिखाई देगा वो भी आपको देखना चाहिए। प्रेम मंदिर एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। और ये जो मंदिर है, वृंदावन का सबसे अच्छा मंदिर है। वृंदावन में तो वैसे ही 5000 से भी ऊपर का मंदिर है, लेकिन ये उनमें से एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। देखिए, मैं इस तरफ से आपको इसका एक अच्छा व्यू देने का ट्राई करता हूँ। देखिए ये वाला व्यू भाई, गजब का व्यू है भाई, गजब का व्यू है। देखिए, गजब का ही व्यू है। ये रहा इस तरफ से मंदिर का व्यू। और ये रात को ना और भी ज़्यादा प्यारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये वाला जो यहाँ का लाइटनिंग वाला शो रहता है, वो सच में बहुत ही यूनिक वाला चीज़ है। देखिए, व्यू बहुत ही अमेजिंग व्यू है। स्वामियों, स्वामियों, हे, स्वामियों, स्वामियों, ओके, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ओके मेरी बच्ची। देखिए बच्ची, यहाँ पर बहुत सारे जो पर्यटक है, आजा आजा आजा, चलो 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 चलो, ओके ऑल राइट। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। वीडियो में आपको मालूम चलेगा प्रेम मंदिर कैसा है और यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या क्या मिल सकता है। और आप ज़रूर आइए, कभी भी अगर टूर बनता है तो आप वृंदावन ज़रूर आइए, जाएंगे उस तरफ भी जाएंगे। अभी देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सा एक गार्डन है, वो भी बहुत ही शानदार गार्डन है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इस मंदिर में आके कि आप श्री कृष्ण के साथ ही हैं। मतलब ऐसा अद्भुत और
अनोखा सीन ना कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। मंदिर बहुत ही प्यारा है ना, क्या आपको कैसा लगा मंदिर? अच्छा लगा ना मंदिर, तो चलते हैं। ये देखिए श्री कृष्ण है, मंदिर में। ओए चलो 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 चलो। प्रेम मंदिर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अंदर जाने देंगे ना, दिखाएंगे। मेरे जितने भी व्यूअर्स है आपको आज की प्रेम मंदिर का टोटल अच्छे से व्यू दूंगा, जरूर बने रहिए वीडियो में। देखिए कृपालु बंदे जगत गुरु लिखा है शायद। आपको ढेर सारे फ्लावर्स इधर देखने मिलेंगे, गुलाब। गुलाब के देखिए कितने वैरायटी गुलाब है, और ये वाला देखिए भाई, ओ भाई साहब सच में गजब का लुक्स है। और इतना अच्छा मेंटेन करते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो देख के ही अच्छा लगता है मेरे को। देखिए कोई भी कहेगा प्लास्टिक का ही जैसा लगता है, लेकिन ये सब नेचुरल फ्लावर्स हैं, और बहुत वैरायटी के फ्लावर्स हैं यहाँ पर। आपको बहुत वैरायटी के फ्लावर्स देखने मिलेंगे। ओ भाई गजब है भाई गजब। हम वो एंट्री साइड में आए थे, ये अभी यहाँ का बैक साइड है। और यहाँ पर देखिए एक वाटर शो होता है वहाँ पर, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए ये वाला जो सीन है ना, यहाँ पर नाइट में एक वाटर शो होता है, वो आप लोगों को ज़रूर देखना है, क्योंकि वो बहुत ही शानदार लुक आता है भाई, ज़बरदस्त। रात को ब्लॉग बना था, लेकिन रात में इतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं होता है, जो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं ये दिन में रिकॉर्डिंग करता हूँ, कर रहा हूँ अभी। आप लोग को अच्छा एक व्यू देने का कोशिश है मेरा। आई होप कि आप लोग को ये वाला जो वीडियो बना रहा हूँ अच्छे से मेरा वॉयस आ रहा होगा। अभी देखिए कैसा सीन है भाई, गजब का सीन है। आगे तो और भी अच्छा सा सीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वो रहा देखिए, वो रहा एक सीन, क्या हुआ बेबी, व्हाट्स हैपेंड? चलिए 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 खड़े हो जाइए, चलिए ओके ऑल राइट चलिए, हाँ जाएंगे उस तरफ के बाद देख लेते हैं। वो कैंटीन है यहाँ का। अभी देखिए बहुत ही शानदार प्यारा सा एक लुक है, आपको बहुत ही यूनिक फ्लावर्स यहाँ पर देखने मिल जाएगा। देखिए लिखा है कैसे कृपालु, और वहाँ पर देखिए ढेर सारे डियर वगैरह हैं। और यहाँ वहाँ पर आपको वाशरूम देखने मिल जाएगा, वहाँ पर वो कैंटीन भी देखने मिलेगा, और यहाँ पर भी एक कैंटीन है। ये रहा मंदिर का फ्रंट व्यू, देखिए फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर कृपालु भी यहाँ पर लिखा है, और वे भाई रहा गोवर्धन पर्वत, जिसको श्री कृष्ण ने अपने उंगली से उठाया था। देखिए भाई गजब का ही व्यू है भाई गजब। ओके भाई साहब ये तो बहुत ही शानदार सा व्यू है। तेरे साथ ही भी और सबके साथ मेरी फोटो।
ओके ऑल राइट, अभी हम मंदिर के फ्रंट में ही है जी बा। अभी देखिए ये रहा वॉशरूम और जस्ट वेट, देखिए गोवर्धन मंदिर श्री कृष्ण ने कैसे एक ही उंगली में, देखिए श्री कृष्ण ने एक ही उंगली में कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। भाई गजब का लुक्स है भाई, गजब का ही दिखाई दे रहा है। एडी बस्ता मोड राउंड ये कर के कंप्लीट किया, गुड मॉर्निंग। अभी देखिए यहाँ का एक अच्छा सा व्यू, और यहाँ पर देखिए आपको पूरा पोज करके वीडियो को देखिए, टाइमिंग है कितने बजे खुला रहता है, कितने बजे शाम को बंद हो जाता है। सुबह के 7:30 बजे ओपन होता है और 11:30-12 तक बंद हो जाता है, फिर इवनिंग को 4 बजे खुला रहता है और रात के 8:30 बजे बंद हो जाती है। देखिए भाई अरे भाई ये था प्रेम मंदिर का एक कंप्लीट व्यू। आई होप कि आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मंदिर का अंदर का तो दिखा नहीं सकता, लेकिन मंदिर का अंदर भी बहुत ही शानदार व्यू है, वो भी आप लोग को पसंद आएगा ज़रूर। आप लोग ज़रूर यहाँ आइए और घूमिए फिरिए, टोटली फ्री है भाई, मंदिर में कोई भी चार्जेस नहीं है किसी भी तरह का, पैसा आपको देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप आइए घूमिए और एंजॉय कीजिए। ओके इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।